हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसूर स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए लाभ हानि का पार्ट टू लेकर आए हैं। अभी मैंने लाभ हानि पर पार्ट फर्स्ट बनाया था, जिसमें आपको बेसिक से हमने क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व कराए थे। उसमें आपको बताया भी था कैसे क्वेश्चन आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, तो उसी का पार्ट टू लेकर आए हैं, जिसमें आपके जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको कोई भी कोई लाभ हानि का वीडियो नहीं पढ़ने पड़ेगा, आपको इतने भी आपके जो उससे क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में बन जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद ही आप पार्ट टू देखेंगे, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ में आपको अगर प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओनली आपको वहाँ पर 50 रुपीज़ पे करने होंगे। कितने 50 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी एक साथ, जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस करें, इसको थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर देंगे। उसके बाद चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन, आप नोट करेंगे कॉपी में सबसे पहले, इसके बाद क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन से बेचे गए, लाभ प्रतिशत या हानि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हमको CP दिया गया, यानी कॉस्ट प्राइस दिया, क्रय मूल्य दिया गया है 350 रुपये दिया। कितना? 350 रुपये दिया गया है। हमसे पूछ रहा है सेलिंग प्राइस, सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, इनकी बेचेंगे, इसके बाद ही तो हमें पता चलेगा कि लाभ या हानि हुई, क्योंकि उसने 350 रुपये में खरीदे थे और उसने कितने में बेचे हैं सबसे पहले हमें वो पता करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लाभ या हानि निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो आप जानते हैं कि एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दर्जन निकालेंगे, क्योंकि उसने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे थे। तो 100 केले थे, उसमें हमने 12 का डिवाइड करे तो हमारे दर्जन केले आ गए। इसके बाद कितने रुपए में बेचे थे? 48 रुपया प्रति दर्जन से, तो हम उतने का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 × 48। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस, आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 400 रुपये आ जाएगा। अब देखिए, उसने 350 रुपये में खरीदे थे और 400 रुपये में बेचे, तो उसको लाभ कितना हुआ? तो उसको लाभ हुआ जाके 50 रुपये हुआ। कितना हुआ लाभ उसको? 50 रुपये हुआ, क्योंकि जब SP जो होता है CP से बड़ा होता है तो उसे लाभ होता है, यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है तो उसे लाभ होता है। तो उसे देखिए, उसने 400 रुपये के बेचे और 350 रुपये खरीदे तो उसे 50 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए, 50 का प्रतिशत में हमें लाभ ज्ञात करें, कि उसने प्रतिशत लाभ या हानि पूछी है। तो लाभ कितने का हुआ? 50 का। और कितने रुपये पर हुआ? 350 रुपये पर हुआ। डिवाइड करेंगे 100 से। कितने का? 100 से करेंगे। तो यहाँ पर आप इससे डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, और यहाँ से कर देंगे 5 × 7 = 35। कितना हो जाएगा? 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100/7 आ जाएगा। यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/7% ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप डिवाइड से करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, आपका आंसर के अकॉर्डिंग जो आपका आएगा वो आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको, हम आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो कैसे ये क्वेश्चन लगा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई, 6 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदी गई, तो लाभ क्या होगा? यहाँ पर कर लेंगे खरीदी गई नहीं, यहाँ पर हो जाएगा बेची गई। क्या? बेची गई। 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई और 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई थी। इसका मतलब क्या है? अगर आपने प्रीवियस वाली क्लास देखी हुई तो आप इसका मतलब समझ गए होंगे। उसने का मतलब क्या है? उसने 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची। कितनी? 5 वस्तुएं बेची। यहाँ पर खरीदी की जगह कर लेंगे आप लोग बेची गई, क्या कर लेंगे? बेची गई, तो लाभ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम करते थे इनका इनका करते थे गुणा। क्या करते थे? इनका इनका गुणा करते थे, इसके बाद इनका इनका गुणा घटाते थे, और जो घटाया जाता था वो बटे में जाता था, और इनटू 100 करते थे। तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो हमने प्रीवियस क्लास करवाई थी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको उसको देखना है, इसके बाद ही इस क्लास पर आपको आना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कैसे करते थे। तो यहाँ पर देखिए, 5 रुपये में 6 वस्तुएँ खरीदी गई,
और यहाँ पर 6 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदेंगी। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, इनका इनका गुणा करते थे, यानी वस्तुओं वस्तुओं गुणा करते थे 6 × 6। इसके बाद रुपए रुपए का यानी कि इसका इसका करते थे, यहाँ पर सबसे पहले इसका इसका गुणा करते, इसके बाद इसका इसका गुणा का हम लोग घटाते थे, और यही इसके बटे में जाता था। क्या था, यही इसके बटे में जाता था। और इसके बाद 100 का गुणा करते थे, कितना करते थे 100 का गुणा करते थे। तो यहाँ पर ये है 25 25 25 × 100 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करते थे एक बार फिर से देख लेंगे, 5 रुपये में 6 वस्तुएँ खरीदी, 6 रुपये में 5 वस्तुएँ खरीदी गई बेची गई सॉरी। तो यहाँ पर इसका इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 × 6 माइनस इसका इसका करते थे 5 × 5 बटे कितना करते थे, जो ये वाला लिखते थे यानी कि जो घटाते थे वही नीचे लिखते थे 5 × 5 और इंटू में 100 करते थे, कितना करते थे 100 करते थे। यह 25 25 हो जाएगा, 25 × 100 हो जाएगा, और इसका घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या करें, 36 36 और 36 में अगर हम घटाएंगे 25 25 तो हमारा कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 × 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 44%, क्या होगा 44% उसको लाभ होगा, क्या होगा 44% उसको लाभ होगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने उसमें कराया था प्रीवियस में, तो उसको आप देखेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर पर, 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर बेच दिया, अतः उसको लाभ क्या हुआ। तब देखिए वही क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, आपको वही करना है, 10 रुपये में 11 वस्तुएं, 11 रुपये में 10 वस्तुएं, तो क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, सबसे पहले 11 × 11 माइनस 10 × 10 बटे यहाँ पर 10 × 10 और यहाँ पर 100। यहाँ से ये चला जाएगा, क्या होगा यहाँ से ये चला जाएगा, इसका करेंगे गुणा तो 121 आएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे 100 आएगा, घटाएंगे तो 21% आएगा, कितना आएगा 21% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 21% उसको लाभ प्राप्त हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कैसे 10 रुपये में 11 वस्तु, 11 रुपये में 10 वस्तुएँ, तो आपसे लाभ पूछ रहा है तो वही बार लगाएंगे, इनका इनका गुणा करेंगे 11 × 11 माइनस 10 × 10 बटे जो आपने घटाया होता है वही यहाँ पर नीचे लिखते हैं 10 × 10 × 100। इसके बाद 10 से 10 ये चले जाएंगे, क्या ये इससे चला जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 121 माइनस का 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 में माइनस का 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21% आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 21% उसको लाभ प्राप्त हुआ, कितना लाभ प्राप्त हुआ 21% उसको लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए, एक फल विक्रेता ने यक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे, यदि एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो उसे हुआ, तो उससे पूछा है लाभ हुआ या हानि हुई। तो अभी जैसा क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आया है, यक्स रुपए में वाई अमरूद, वाई अमरूद एक्स रुपए में उसने बेच दिए, तो पूछ रहा है आपसे कि उसे लाभ प्राप्त हुआ या हानि। तो क्या करते हैं इनका इनका गुणा करते हैं तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, माई इनका इनका गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो घटाया जाता वो यहाँ पर लिखा जाता, इंटू 100 करते हैं। और इसके बाद अब यहाँ पर देखिए यक्स है, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसका इसका क्या करते थे, यहाँ पर देखिए यक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद यक्स रुपये में खरीदे, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या हुआ एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदे और वाई अमरूद थे वो यक्स रुपये में खरीदे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इनका इनका क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे जो पहले क्वेश्चन होते थे उसमें रुपए पहले आता था, लेकिन यहाँ पर क्या है अमरूद यानी कि वस्तु पहले आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और इसका इसका गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा। अगर देखिए पहले वस्तुएँ आती हैं तो आपको इसका पहले गुणा करना पड़ेगा, अगर पहले रुपए आते हैं यानी कि पहले रुपए आते हैं तो आपको इधर उधर गुणा करना पड़ेगा, अगर पहले वस्तुएं आती हैं तो आपको सबसे पहले इधर गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमारे इस सवाल में एक्स अमरूद वाई रुपए में और वाई अमरूद एक्स रुपए में आ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुएं आ रही हैं तो हमने यहाँ पर गुणा करना है, कैसा करना है इधर की ओर गुणा करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर नीचे से घटा देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स जो गड़ा एक्स जो बड़ा है उसका जो घटाया जा रहा है उसका वर्ग जो है वाई के वर्ग से घटाया जा रहा है,
तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव में वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि x x तो पहले से बड़ा था, उसका वर्ग करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, उसमें से y का वर्ग घटाएंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती तो लाभ होता है, अगर निगेटिव प्राप्त होती है तो हमें क्या होता है, हानि होती है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, या इतना ध्यान रखेंगे, अगर आपको पहले वस्तुएं दी जाती हैं तो आपको इधर गुणा करना है, क्या है यहाँ पर जैसे दिया गया था यक्स अमरूद वाई रुपए में और वाई अमरूद यक्स रुपए में खरीदे गए थे, उधर क्या होता था, वहाँ पर होता था वाई रुपए में दस, वाई रुपए यानी कि पाँच रुपए में छः वस्तुएं खरीदी गई और छः रुपए में पाँच वस्तुएं बेची गई। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आती थी, वहाँ पर आते सबसे पहले रुपए आते थे, यहाँ पर आएंगे सबसे पहले वस्तुएं, जब वस्तुएं आएंगी तो इधर गुणा करेंगे, जब रुपए आएंगे तो इधर सबसे पहले गुणा करेंगे उससे घटाएंगे। तो यहाँ पर आई थी वस्तुएं, तो हमने किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे जो घटाया जाता है वही नीचे लिखा जाता है इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, मोहन एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा, कितने में बेचे कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो, क्या है, कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो, ये आपसे कहा है। तो मोहन ने एक साइकिल कितने में खरीदी थी, तो उसने खरीदी थी SP यानी कि रुपए में खरीदा, तो यानी कि कितने में बेचे कि उसे साइकिल पर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया, उन्होंने SP आपको दे रुपए में खरीदा, यानी कि CP आपको दिया गया, क्या दिया गया है, CP आपको दिया गया है 1250। अब उसे कितने में बेचे कि उसको कितना 10% लाभ प्राप्त हो, क्या हो, 10% लाभ प्राप्त हो। यहाँ पर आपको देखिए, पहले पिछले में हमने आपको होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया था, अब यहाँ पर हमको CP दिया गया है, SP पूछ रहा है, क्या है, CP से SP पूछ रहा है, तो यहाँ पर होल वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो होल वैल्यू क्या होती थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा है 10%, 10% का नीचे निशान हटाएंगे, क्या है, 10% लिखा है, निशान हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा, इसका उसमें ऐड कर देंगे तो 11/10 की होल वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी, 11/10 इसकी होल वैल्यू आ जाएगी। अगर हम देखिए क्या करते थे, अगर हम CP से SP में जाते थे, किसमें, CP से SP में जाते तो सीधा गुणा करते थे, अगर हम SP से CP निकालते थे तो हम उल्टा गुणा करते थे, हम CP से SP निकाले तो हम सीधा गुणा करेंगे होल वैल्यू का। यहाँ पर देखिए 1250 होल वैल्यू कितनी आई, 11/10 आई, कितनी आई, 11/10, 0 से 0 चला गया, और 125 में अगर हम 11 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1350 है, कितना आएगा, 1375 रुपये आएगा आंसर, कितना आएगा, 1375 रुपये इसका आंसर आएगा। ये समझ गए आपको कैसे लगाना है, होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने आपको प्रीवियस क्लास में सिखाया था, अगर उस क्लास को देखेंगे तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, एक व्यापारी ने अपने घोड़े को 570 रुपये में बेचता है, क्या है, अपने घोड़े को 570, तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, तो बताएं कि घोड़ा को कितने में बेचें कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो, क्या हो, उसे 5% का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले देखिए क्या है, घोड़ा को 570 रुपये में बेचता है, यानी कि SP आपको दिया गया है सेलिंग प्राइस, तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ती है, हानि उठानी पड़ती है, इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें CP निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 5% की होल वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 5% का नीचे हटाएंगे निशान तो ये 100 आ जाएगा, परसेंटेज का हटाएंगे ये जाएगा 5 × 5 × 5 × 10, तो होल वैल्यू इसकी कितनी आएगी, होल वैल्यू आएगी आपकी 1/20 आएगी, कितनी आएगी, होल वैल्यू 1/20, इसका कर देते हैं इसमें तो 20 और 1 जुड़ के आ जाएगा 21/20 इसकी होल वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 21/20 इसकी होल वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें CP यानी कि SP दिया गया है, SP से हमें CP निकालना है, क्या निकालना है, CP निकालना है, जब हम SP से CP निकालते हैं तो उल्टा गुणा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा गुणा करते हैं, तो यहाँ पर हम उल्टा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका SP में कितना है, 570 रुपये है, कितना है, 570 रुपये है, उल्टा गुणा करेंगे और यहाँ पर आपका यहाँ 5% की हानि हुई थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जबकि 5% की होल वैल्यू निकालेंगे हानि की, तो यहाँ पर हमने सॉरी पहले आपको लाभ की जो होल वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ पर आपको हानि उठानी पड़ती सबसे पहले, तो हानि की होल वैल्यू निकालेंगे, तो 5% का निशान हटाएंगे तो 100 हो जाए, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 5 × 5 × 5 × 10, तो 1/20 आएगा। यहाँ पर जब आप लोगों की हानि होती है तो होल वैल्यू घटती है, यानी कि 20 × 20 में 1 घटाएंगे तो 19/20 हो जाए, क्या हो जाएगा, 19/20 इसकी होल वैल्यू आएगी। हमने आपको पहले लाभ वाली होल वैल्यू निकाल दी थी,
हमें यहाँ पर सबसे पहले हानि उठानी पड़ी है, तो हानि की होल वैल्यू निकालेंगे तो 19 बटे 20 आई, कितनी आएगी 19 बटे 20 की होल वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना था, हमें एसपी से सीपी निकालना था, क्या करना था एसपी से सीपी निकालना था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसपी से सीपी निकालेंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, क्या करेंगे उल्टा गुणा करेंगे। तो हमें क्या एसपी दिया गया है 570 और होल वैल्यू का उल्टा गुणा करें यानी कि 20 बटे 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 बटे 19 हो जाएगा। और इसका यहाँ से करेंगे तो 19 यहाँ 57 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 20, ये बनेगा आपका 600 बनेगा, कितना 600 रुपये, यानी कि वस्तु कितने की थी, वस्तु जो थी वो 600 रुपये की थी, जब उसने 570 रुपये में बेचा तो उसे 5% की हानि उठानी पड़ी, क्या 5% की हानि उठानी पड़ी। अब देखिए क्या करें, अब हमें यहाँ पर क्या हो, हमें सीपी मिल चुका है, कितना मिल चुका है सीपी हमारा 600 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 600 रुपये था। अब उसको 5% लाभ पर बेचना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 5% लाभ पर बेच कितने में बेचें, यानी सेलिंग प्राइस हमको ज्ञात करना है कितने बेचें कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो इस वस्तु को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 5% लाभ की होल वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर 1/20 थी, हमने आपको पहले निकाल के दिखाई, तो इसमें गुणा करेंगे 20 से कम बिक की, उसमें एक जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी होल वैल्यू इसकी हो जाएगी 21/20 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21/20 इसकी होल वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं सीपी से एसपी निकाल रहे हैं, क्या है सीपी से एसपी निकालें तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करते हैं, तो कॉस्ट हमारा क्या था वहाँ पर 600 रुपये था, कॉस्ट प्राइस कितना 600 रुपये था, और उसमें हम सीधा गुणा करेंगे 21/20 का, कितना 21/20 का सीधा गुणा करेंगे, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा 30 बार, और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 630 आएगा, कितना आएगा इसका अगर हम गुणा करते हैं 30 यहाँ पर बच रहा था 21, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा 21 + 63, तो 630 आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 630 इसका आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 630 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी अपनी घड़ी 140 रुपये में बेचता है, यदि उसकी लाभ प्रसिद्धता लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी की लागत क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि एक कोई आदमी है जो अपनी घड़ी को 140 रुपये में बेच देता है, यदि उसके लाभ की प्रसिद्धता लागत मूल्य के बराबर है, जैसे लागत मूल्य के बराबर मतलब क्या है, अगर उसकी कीमत 40 रुपये है तो उस पर लाभ कितना उसे हुआ, 140 में बेचा है तो उसे 40% का लाभ हुआ, अगर उसकी लागत 50 रुपये है तो उसको 50% का लाभ हुआ, इसका मतलब ये है कि उसकी लाभ की प्रतिशतता है जो लागत मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 144 रुपये दिया गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले इसकी गुणनखंड करने हैं, क्या करने हैं इसकी गुणनखंड ऐसे करने हैं जिसमें 10 का अंतर हो, क्या हो जिसमें 10 का अंतर हो, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 18, क्या हो जाएगा 8 × 18 गुणा करेंगे तो इनका 144 है, और इनका अंतर भी कितने का है, इनका डिफरेंस भी 10 का है, क्या है इनका डिफरेंस भी 10 का है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो नीचे छोटी संख्या आती है उसमें 10 का गुणा करके 80% क्या आ जाएगा 80% इसकी लाभ इसकी प्रतिशतता क्या हो जाएगी, लाभ की प्रतिशतता 80% हो जाएगी, और उसकी लागत भी क्या हो जाएगी, उसकी लागत भी 80 रुपये हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसकी लागत भी 80 रुपये हो जाएगी। अगर इस टाइप का आपको सवाल दिया जाता है तो आपको ऐसे ही करना है, उसका खंड भी आपको ऐसे ही कटेंगे, 10 का अंतर जरूर होगा अगर आपको इस टाइप का सवाल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने आपको वहाँ पर कैसे सॉल्व करना है बताया था प्रीवियस क्लास में। यहाँ पर देखिए हमको क्या दिया गया, सीपी यानी कि वस्तुओं वाला दिया गया है, तो यहाँ पर 18 वस्तु हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी 18 वस्तु हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर एसपी है तो एसपी आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 15 वस्तु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी एसपी यहाँ पर हो जाएगी 15 वस्तु। तो यहाँ पर लाभ देखिए क्या हुआ, लाभ उसको हुआ जाके यहाँ पर 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, कितने का हुआ 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, कितना हुआ 3 वस्तुओं का लाभ हुआ, कितने क्योंकि उसने जितने रुपये में 8 वस्तुएँ खरीदी 18 वस्तुएँ खरीदी थी, लेकिन उतने ही रुपये में उसने 15 वस्तु बेची, यानी कि तीन वस्तुओं का जो उसे मूल्य का है उसका वो लाभ प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या है, तो यहाँ पर देखिए जितने का लाभ हमें प्राप्त होता है, 3 वस्तुओं का लाभ प्राप्त हुआ तो परसेंटेज लाभ निकालना है हमको, 3 वस्तुओं का प्राप्त हुआ तो 3 लिखते हैं, और सेलिंग यानी कि जो सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग जो वस्तुएँ बेची गई वो लिखते हैं, तो 15 × 100 क्या 100, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए इसका कर देंगे
यहाँ से करेंगे 3 × 1 = 3 × 3 = 15 और यहाँ से इसका कर देंगे तो 20 बार जाएगा, तो लाभ हमको प्राप्त कितना होगा, लाभ हमको प्राप्त होगा 20% लाभ प्राप्त होगा, कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, 20% लाभ हमको प्राप्त होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।